हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल का पहला एक्सपेरिमेंट। वो है टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ शुगर सॉल्यूशन यूजिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी टेक्निक एंड देयर आइडेंटिफिकेशन। इस एक्सपेरिमेंट को कैसे करना है और इसे फाइल में आप कैसे लिखोगे, इसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख लोगे, फिर इसके बाद आपको लिखना है रिएजेंट रिक्वायर, यानी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको कौन कौन से रिएजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको फिल्टर पेपर चाहिए होगा, फिनॉल, सिल्वर नाइट्रेट, अमोनिया सॉल्यूशन, कैपिलरी ट्यूब, ड्रायर, क्रोमेटोग्राफी ऑपरेटर्स, फ्रुक्टोज, शुगर, सुक्रोज, इतने चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपके पास होनी चाहिए, तभी ये एक्सपेरिमेंट हो पाएगा। ठीक है, और अगला पॉइंट इसका रहेगा थ्योरी। थ्योरी में आपको ये याद रखना है, इसमें दो तरह की फेज होते हैं, एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज जो है वो नाम से ही क्लियर है, जो कि चल सकता है, यानी वो पानी का पानी हो सकता है, पिरिमिडीन हो सकता है, इथाइल एसीटेट हो सकता है, जो कि जिसमें हम फिल्टर पेपर को डुबोएंगे तो ये जो है मूव करेगा, यानी ऊपर की ओर चढ़ेगा, जो कि मोबाइल फेज है। और ये साथ में अपने साथ स्टेशनरी फेज को भी ले जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप जो है थ्योरी में राइट कर लोगे। नेक्स्ट, अब हम लोग देख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को करने का प्रोसीजर क्या है, मेथड क्या है, आप इसे कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको लैब में एक फिल्टर पेपर ले लेना है, जो अच्छी क्वालिटी के लेना है, यानी वाटमैन फिल्टर पेपर लेना, उसे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में काट लेना है। ठीक है, इस तरह आप काट लोगे। तो इसे काटने के बाद आप मान लो यहाँ पे इसे हमने काट के अलग कर लिया, फिर से आपको क्या करना है, नीचे से 2 सेंटीमीटर पे एक लाइन खींचना है और इसके मिडिल पॉइंट को थोड़ा सा मार्क कर लेना है पेंसिल से। अब इसके बाद आपको जो है फिनॉल सॉल्यूशन को क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में डाल देना है। तो वहाँ पर आपके पास क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर होगा, जिसके अंदर आपको फिनॉल और सॉल्वेंट को यहाँ पर डाल देना है। ओके, फिर इसे आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपने स्ट्रिप बनाया हुआ है इस पर आपको जो है शुगर डालना है, यानी जो भी आपको टेस्ट करना है उसे उसके पेस्ट को आपको यहाँ पे डालना होगा। फिर इसके बाद इस फिल्टर पेपर को क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर में, जिसमें सॉल्वेंट रखा हो उसको डाल देना है, और ध्यान देना है कि उसमें जो सॉल्वेंट हो वो मात्र 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, नीचे से 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मान लो क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर है, नीचे बस थोड़ा सा ही इसमें जो है सॉल्वेंट होना चाहिए, यानी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसमें जब आप फिल्टर पेपर यहाँ पे लटका दोगे, जो उसका स्ट्रिप है, तो ये जो है सॉल्वेंट ऊपर चढ़ने लगेगा, और साथ में ही ये जो यहाँ पे सुक्रोज है उसको भी ये ऊपर की साइड ले जाएगा। जिस देखोगे कि ये बाद में यहाँ जब ऊपर जाएगा कलर, तो ये काफ़ी सारे कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को आपको मेज़र करना रहता है इस एक्सपेरिमेंट को, और इसी को मेज़र करके आप आरएफ वैल्यू यानी रिटेंशन फैक्टर को कैलकुलेट करते हो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आप आरएफ वैल्यू निकालोगे। आरएफ वैल्यू होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय शुगर और डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। तो आपने जो स्ट्रिप लिया था और यहाँ पे आपने जो शुगर का पेस्ट डाला था, तो ये कई कलर्स में डिवाइड हो गया रहता है, और साथ में आपका जो सॉल्वेंट है वो ऊपर तक गया रहता है। तो आपको क्या करना है, सॉल्वेंट के डिस्टेंस को मेज़र कर लेना है, और साथ में ये डिफरेंट डिफरेंट कलर है इनको भी मेज़र कर लेना है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए ये पिंक कलर है और ये पता चला कि ये किसी एक पर्टिकुलर शुगर के लिए आया है, तो उस शुगर का आरएफ फैक्टर निकालने के लिए आप इस जो शुगर का जो कलर है उससे उस डिस्टेंस को और प्लस सॉल्वेंट के डिस्टेंस को लेते हुए डिवाइड करना। जैसे शुगर मान लो 4 सेंटीमीटर गया है और सॉल्वेंट जो है 10 सेंटीमीटर गया है, तो इसका आरएफ फैक्टर जो है 4/10 होगा, इसे सॉल्व करो यानी 0.4 आएगा। तो इस तरह जितने भी उसमें कंपाउंड है उन सारे का जो है आप आरएफ फैक्टर निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह इस एक्सपेरिमेंट की सहायता से आप लैक्टोज और ग्लूकोज का आरएफ वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ ये एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। और अगर आपको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का वीडियो चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो।